डाल दीजिए। दिलवा हमरे सुबह सुबह धोने में ना यार जम गया। मैं यहाँ खाली लूट मचा रखी है लोगों ने, तो 200 रुपए गाइस 200 रुपए लूट। तो भाई खुजली कैफे मिटाओगे तुम? तुमको तो ऐसा करना पड़ेगा। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब? हम सब बढ़िया। आई होप आप लोग भी बढ़िया होंगे और जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। सो हम लोग पैंगोंग लेक पहुँच चुके हैं। पिछला वीडियो में आपने देखा होगा कि हम रात के 9:30 बजे तक पहुँचे थे और जस्ट मेरी आंखों के सामने पैंगोंग लेक है। तो एक झलक आप देख लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं अभी ब्रेकफास्ट के लिए और उसके बाद फिर ब्लॉग को शुरू करेंगे। अच्छे ढंग से ड्रोन शॉट होगा, सिनेमेटिक होगा, इन्जॉय करेंगे, फन करेंगे, सब कुछ करेंगे ब्रो। तो आओ एक बार रूम दिखा देता हूँ। सो दोस्तों ये रहा कुछ रूम इस टाइप से और ये रहे हमारे। डाल देंगे, डाल दीजिए। सो ये रहा, ये रूम बनेंगे। सो ये रहा रूम हम लोग का और ये रूम पड़ा था हम लोग को 3,000 रुपये में पड़ा है यार। और किंग साइज बेड है इंक्लूडेड ब्रेकफास्ट। हाँ इंक्लूडेड डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं हुआ और सब कुछ है तो ठीक है भाई। पानी ठंडा। हाँ जी पानी ठंडा यार, वो यार समझ रहे हो ना, सुबह सुबह धोने में ना यार जम गया ऐसा लग रहा है। तो कोई नहीं, चलते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इंजॉय करेंगे, फन करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो ये देखो रूम, अगर बाथरूम है। सो चलो ठीक है, मिलते हैं फिर। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट में ये है ब्रेड और ये पोहा और कॉफ़ी। इधर ये दीदी भी हैं और भैया और सैम और अभिनव उधर हैं। तो एक प्यारा सा टाइम लैप्स के जरिए आप देखिए। ओ भाई साहब, हर एक चीज़ अचीव करने में भाई मज़ा आ रहा है। जो मैं वीडियो जो मैं देखा करता था, जो मैं मेरा ड्रीम था कि मैं भी एक दिन जाऊंगा लद्दाख लद्दाख लद्दाख, वो भाई मैं अचीव कर रहा हूं और जा रहा हूं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, ऐसा लग रहा है मानो अपनी ज़िंदगी खुलकर जी रहा हूं भाई। और हम लोग चल रहे हैं यार ये पैंगोंग लेक के पास, वहाँ पर पानी भाई ब्लू ब्लू नज़र आ रहा है। ओ माई गॉड। सो यार इंजॉय कर रहा हूँ यार, बहुत मज़ा आ रहा है भाई साहब। ए भाई साहब यहाँ पे पानी कलर चेंज हो गया यार बिल्कुल। भाई साहब, ओ माय गॉड यार कितना खूबसूरत है ये वाटर का, तो कलर चेंज हो गया है पूरा ना। ओ माय गॉड कैसा लग रहा है यहाँ पे, देखो वाइट लग रहा है, वहाँ पे थोड़ा ग्रीन लग रहा है, आगे में ब्लू लग रहा है। सो यार गजब, भाई साहब गजब वाले ठंड है यार पानी में। तो अरे बाप रे बाप, बहुत ठंड है यार। नागस वाला साड़ी, एक साड़ी मेरा वाला। सो फाइनली दोस्तों हमने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया और ये मोमेंट यादगार रह जाएगा कि पैंगोंग लेक के पास हमने इतना फ़न किया, इतना इंजॉय किया और साथ में विशाल भैया और भाभी जी थे। सो कोई नहीं, चलो यहाँ पे कुछ और शॉट्स ड्रोन शॉट्स लेते हैं और चलेंगे यहाँ से और आगे। सो बने रहो ब्लॉग में तब तक।
सो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं थ्री इडियट्स मूवी पॉइंट, जो मेन पॉइंट था वहाँ पे। और यहाँ पे भी टूरिस्ट लोग काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो हम लोग को यहाँ पे आए हैं और देखो क्या एंजॉय कर पाते हैं, क्या दिखा पाता हूँ। और ऐसे तो आपको पता है कि पैंगोंग लेक का 60% हिस्सा चाइना के पास है और 40% हिस्सा हमारे पास है। और जब विंटर में भाई ये पूरा जो पैंगोंग लेक है वो पूरा जम जाता है, फ्रीज हो जाता है भाई साहब। सो कभी विंटर राइड भी करेंगे भैया। चाइना के पास कितना है? 60% तो देखने को मिलेगा ना जी? ना क्यों, गोली मार देंगे। सो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं ऑल एज वेल, जी हाँ ये पैंगोंग लेक के पास। और यहाँ पे देख सकते हो लद्दाखी ट्रेडिशनल ड्रेस फॉर लद्दाख जेंट्स एंड किड्स। और यहाँ पे जब तक है जान का भी शूटिंग हुआ है थोड़ा, तो चलो यहाँ पे देखता है और आपको बताता है। सो फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं पैंगोंग लेक में। यहाँ खाली लूट मचा रखी है लोगों ने, 50-50 रुपए ले रहे बाइक में बैठने के, और वो क्या है वो थ्री इडियट वाला वो जो बम है उसमें बैठने के, और अगर लहंगे के साथ फोटो निकालना है तो 200 रुपए। गाइज 200 रुपए लूट मचा रखी है, पूरे बिजनेस चला रखे, पूरे बिजनेस भाई, पूरा बिजनेस और सारा कॉपी है। एक्चुअल जो फुनसुक वांगडू है और उसका जो स्कूल है वो एक्चुअली ले में है, यहाँ पे खाली शूटिंग हुई थी तो ये एवी फेमस हो गया है बस। कौन भैया? जमन जानो बुलाई को सजनिया, लाही पीला कोच वाला पानी हमरो के का। सो फाइनली दोस्तों हम लोग उस पॉइंट पे आ चुके हैं जिस पॉइंट पे थ्री इडियट मूवी में करीना कपूर बोलती है आमिर खान से, अरे बुद्धू नाक बीच में नहीं आता किस करते समय। तो वही पॉइंट है ये, अगर आप मूवी देखे होंगे तो आपको पता होगा। और ये देखो जी कितना प्यारा लग रहा है, आपको तीन कलर में पानी दिख रहा होगा, ये वाइट, वो ग्रीन और उसको आगे ब्लू। सो चलो यहाँ का भी ड्रोन शॉट हम लोग लेते हैं, और बहुत ही प्यारा बहुत खूबसूरत अभी तक के इस ट्रिप में सबसे ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं हम लोग, तो कोई नहीं। और ये देखो जी पहाड़ पे शो शो और बीच में ये पैंगोंग लेक। सो भाई साहब, और पैंगोंग लेक बहुत बड़ा है यार, लेकिन खारा भी है, इसका पानी नमकीन है भाई। चल रहा है पानी में, और ये भाई साहब इतना ठंडा कि मैं क्या बताऊँ यार, हो हो। अरे बाबा, अरे बाबा, लग रहा है कि मधुमक्खी काट रहा है पैर में, ऐसा लग रहा है। ड्रोन उड़ रहा है और मेरा नजदीक है, रो गया भाई साहब देखो।
थक गए, हम भी थक गए, सबको थक गए। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं थोड़ी भाई की हेल्प कर दूँ ब्लॉग बनाने के लिए। पर फाइनली हम वो पॉइंट पे आ गए जहाँ आमिर खान, माधवन और वो तीसरा कौन है, हरमन जोशी, जिनके वहाँ पे बहुत खुजली आ रही थी। तो सोच रहे हम भी थोड़ा खुजवा ले। तो फिलहाल तो हम दो है और तीसरा भी आ गया जिसके खुजली आ रही थी। तो भाई खुजली कैसे मिटाओगे तुम? कैसे? नहीं वो राइट हैंड से खुजाते क्योंकि राइट साइड में पकड़े रहो। तो ऐसा हाथ घुमाने का पूरा 360 लेने का, फिर ऐसा करने का, कैसा ऐसा। पर इसमें तुमको मजा नहीं आएगा, ये जो है ना उसको मजा आता है। तुमको तो ऐसा करना पड़ेगा, समझे? सो फाइनली दोस्तों एक स्कूटर पर भी फोटो हो गया और ये वाला है वम्प वाले पे भी फोटो हो गया और भाई साहब इस पर भी फोटो हो गया जी। वो सभी इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगा पूरा ये सीन के साथ, बिल्कुल ऐसा ही। हो सो चलो दोस्तों अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, बहुत हो गया। और ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।